हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टेक्नो मोबाइल से ईयरफोन मोड या ईयरफोन प्रॉब्लम को कैसे सही करें। तो गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं ईयरफोन मोड लगा हुआ है, आप इसे हमेशा के लिए हटा सकते हैं। तो गाइस, दो से तीन तरीका बताऊँगा, आप किसी न किसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो आपका ईयरफोन जैक है जहाँ पर ईयरफोन आप लगाते हैं, अगर उसमें कचड़ा चला जाता है और ईयरफोन आप लगाते हैं और जैसे ही आप निकालते हैं तो जो कचड़ा रहता है उसके चलते ईयरफोन मोड यहाँ पर ऑन हो जाता है, जो निकालने के बाद भी नहीं हटता है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है जहाँ पर ईयरफोन आप लगाते हैं। अगर उससे प्रॉब्लम रहेगी, जैसे ही कचड़ा निकल जाएगा आपका फ़ोन सही हो जाएगा। अब अगर इस तरीके से सही नहीं होता है तो आपको ईयरफोन को लगाना है। ईयरफोन को लगाने के बाद 3 से 4 बार अच्छे तरीके से पूरा घुमाना है। पूरा घुमाने के बाद आपको उसे निकाल देना है। ऐसा करने से भी कभी कभी ये प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाती है, ईयरफोन मोड हट जाता है। तो दोनों तरीका ट्राई करना है, दोनों में से किसी न किसी तरीके से सही हो सकता है। अगर फिर भी सही ना हो तो फिर आपको क्या करना है, अगर मोबाइल के सेटिंग से लग गया है, ब्लूटूथ से लग गया है, ब्लूटूथ वाले ऑप्शन से, तो आप उसे कैसे सही करेंगे। तो मोबाइल के देखिए सेटिंग में आना है, अब आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे आपके फ़ोन में हो सकता है, सबसे नीचे रहेगा यहाँ पर देखिए सिस्टम का ऑप्शन। तो हमारे फ़ोन में सिस्टम सेटिंग नाम से, आपके फ़ोन में सिस्टम नाम से होगा या फिर एडिशनल नाम से भी हो सकता है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपके फ़ोन में किस नाम से होगा, रीसेट ऑप्शन नाम से आपके फ़ोन में होगा। यहाँ पर देखिए, इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन नाम से। तो हमारे फ़ोन में यहाँ पर दिया है बैकअप एंड रीसेट नाम से, हम इस पर क्लिक करते हैं। लेकिन आपके फ़ोन में दिया होगा रीसेट ऑप्शन नाम से, अगर आपके भी फ़ोन में बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। अगर रीसेट ऑप्शन का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे फ़ोन में दे रहा है रीसेट फ़ोन का ऑप्शन, आपके फ़ोन में ये वाला पेज नहीं आएगा। अगर आपका फ़ोन लेटेस्ट है, अपडेटेड है, तो हो सकता है आपके भी फ़ोन में ये वाला ऑप्शन आए। अगर ना आए तो कोई बात नहीं, अगर आए तो आपको नीचे रीसेट फ़ोन या रीसेट ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। तो आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से आपका ब्लूटूथ, वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क रीसेट हो जाएगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। यहाँ से अगर प्रॉब्लम रहेगी आपके फ़ोन से तो वो सही हो जाएगी। इस पर चलिए क्लिक करते हैं। मोबाइल का पैटर्न या पासवर्ड अगर लगा रहेगा तो यहाँ पर मांग सकता है, आपको उसे डाल देना है लॉक स्क्रीन का, फिर रीसेट या ओके पर क्लिक कर देना है। इतना देखिए, अब जैसे ही करेंगे अब आपको बैक आना है। अब यहाँ पर अगर आने में कोई प्रॉब्लम होगी आपको यहाँ से रीसेट करने में, तो इससे भी आसान तरीका है, आपको सेटिंग में जाना है, ऊपर यहाँ सर्च बार में क्लिक करके आपको लिखना है रीसेट, स्पेलिंग बस आप सही लिखना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड नेटवर्क या फिर रीसेट नेटवर्क सेटिंग। हमारे फ़ोन में रीसेट नेटवर्क सेटिंग नाम से आ रहा है, आपके फ़ोन में रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड नेटवर्क नाम से आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट रीसेट कर सकते हैं। फिर होम स्क्रीन में आना है, अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करना है, फिर आपको स्विच ऑन कर देना है, फिर आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सही हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने फ़ोन को ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।